नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको रोचक और जानकारी वीडियो मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, क्या कुत्ते इंसानों को संक्रमित इन्फेक्ट कर सकते हैं? यह वायरल सवाल का सच क्या है, इसका जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, कुत्ते और इंसानों के बीच एक गहरा रिश्ता है और हम सभी उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह समझते हैं। इसलिए कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या कुत्ते हमें बीमारियों से संक्रमित कर सकते हैं। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार आमतौर पर कुत्ते इंसानों को संक्रमित नहीं कर सकते हैं। अधिकांश वक्त कुत्ते के बीमार होने वाली संक्रमण इंसानों के लिए संक्रामक नहीं होते हैं। हालांकि कुछ किस्म के कुत्तों में कुछ बैक्टीरिया और पैराजिट विद्युत के कारण छोटी मोटी बीमारियों के बढ़ने की संभावना होती है। कुत्ते से होने वाली छोटी मोटी बीमारियों को आप आसानी से बचा सकते हैं। अपने पालतू कुत्ते की सेहत का ध्यान रखना, उन्हें नियमित वैक्सीनेशन दिलाना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना और उन्हें नियमित चेकअप करवाना बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुत्ते जब बाहर घूमते हैं तो उनके संपर्क में आने वाले अन्य जानवरों से वायरस या बैक्टीरिया संक्रमित हो सकते हैं और उन्हें घर लाकर इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए अपने पालतू कुत्ते को बाहर घूमने से पहले अच्छे से साफ करें और उन्हें अन्य जानवरों से दूर रखें। इस वीडियो में हमने देखा कि कुत्ते इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं या नहीं। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार इंसान को कुत्ते से संक्रमित होने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए अपने पालतू कुत्ते की सेहत का खास ध्यान रखें और उनकी देखभाल को ध्यान से करें। कुत्ते इंसानों को संक्रमित करने की जिम्मेदारी ज्यादातर वैज्ञानिक शोधों में वायरसों और बैक्टीरिया के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। हालांकि ऐसे कई मामले देखे गए हैं जहां कुत्ते ने अपने संपर्क में आने वाले विभिन्न बैक्टीरिया और पैराजिटों के कारण इंसानों को बीमारियों से संक्रमित किया है। इसलिए यदि आपका पालतू कुत्ता बीमार होता है तो उनसे नजदीकी संपर्क रखने से बचें और उन्हें जल्द से जल्द वेटरनरी के पास ले जाएं। कुत्तों के संपर्क में आने वाले संक्रमण के जरिए इंसानों को प्रकृति से बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ खतरनाक बीमारियां शामिल हैं, जैसे कि रेबीज, लेप्टोस्पिरोसिस, टोक्सोप्लास्मोसिस और स्केबीज। इसलिए अपने कुत्ते को वैक्सीनेशन के लिए समय समय पर वेटरनरी के पास ले जाएं और उन्हें सभी आवश्यक टीके दिलवाएं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके परिवार में किसी को प्रतिरक्षा बढ़ाने की कमजोरी है तो आपको अपने कुत्ते के साथ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इससे बचने के लिए कुत्ते को नियमित रूप से वेटरनरी द्वारा जांच भर्ती करवाएं और स्वच्छ रखें। कुत्ते और अन्य जानवरों से संक्रमित होने की संभावना को कम करने के लिए अपने कुत्ते को संयमित रखना भी महत्वपूर्ण है। वे अनजाने में अपने मुख, नाक या आंखों से आपको छुआ सकते हैं, जिससे इंसानों को बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अपने कुत्ते को संयमित रखने के लिए प्रशिक्षण देना और उन्हें अच्छी तरह से समझाना अत्यंत आवश्यक है। कुत्ते से संक्रमित होने की संभावना बढ़ सकती है अगर आपके कुत्ते को अशुद्ध या संक्रामक स्थलों पर छोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें कूड़े की खलिहान, नाले या अन्य अशुद्ध स्थानों पर भटकने न दें। इसके साथ ही कुछ बैक्टीरिया और पैराजिट जो कुत्तों को संक्रमित कर सकते हैं, उन्हें समय समय पर दूर भगाने के लिए आपके कुत्ते को नियमित तौर पर दूसरे कुत्तों से दूर रखना भी जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या कुत्ते के संपर्क में आने वाले संक्रमण इंसान से दूसरे पशुओं तक भी फैल सकते हैं।
इस संबंध में भी अधिक शोध की आवश्यकता है, लेकिन अब तक के अनुसंधानों में यह प्रत्याशा है कि कुत्तों से होने वाले संक्रमण का सीधा प्रसार मनुष्यों से दूसरे पशुओं तक कम होता है। लेकिन इससे बचने के लिए अगर आपका कुत्ता संक्रमित है तो आपको उनसे दूरी बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। इस वीडियो में हमने देखा कि कुत्ते इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं या नहीं और इससे बचने के कुछ उपाय। यदि आप अपने पालतू कुत्ते की देखभाल और स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो संक्रमण से बचने की संभावना बहुत अधिक होगी। अपने कुत्ते को नियमित चेकअप और वैक्सीनेशन के लिए वेटरनरी के पास ले जाएं और उनके संपर्क में आने वाले अन्य जानवरों से दूरी बनाएं। ध्यान रखने से आप और आपके परिवार के सदस्य सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।